की बढ़ती कीमत का जवाब कब मिलेगा? कीमत का जवाब 2024 में मिलेगा इसका जवाब। पेट्रोल जो हमारे देश में है बहुत सस्ता है, कम से कम 500 लीटर होना चाहिए। हम लोग के मिडिल क्लास फैमिली के लिए ऐसा हो गया है कि अब बाइक भी हम लोग के लिए सपना होने जा रहा है। तो प्राइस बढ़ रहा है तो इसका बेनिफिट को वैक्सीन पे भी तो जा रहा है, इसी के आमदनी से ना वैक्सीन लग रहा है। सरकार हो सकता है कल 200 रुपए कर देगी, तो भी हमें मजबूरी है कि पेट्रोल भराना ही है। महंगाई बहुत बढ़ रही है, काफ़ी दिक्कत है। लोग सोच रहे हैं कि अब साइकिल पे चलें, बाइक को छोड़ दें, घर लगा दें। 2-4 रुपया बढ़ जाता है, 1 बार 2-2.5 रुपया बढ़ जाता है। साल भर में कितना बढ़ जाता होगा? लाख बहुत 10 रुपया। नमस्कार, मैं हूँ सौम्य राठी और आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। बिहार में कल उपचुनाव होने वाले, कल तारापुर और कुशेश्वर स्थान की सीटों के लिए वोटिंग जो है वो की जाएगी। लेकिन वोटिंग के ठीक एक दिन पहले एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़त दर्ज की गई है। बढ़त कितनी की गई है आपको जानना चाहिए। बताते चले कि इस वक्त जब हम यहाँ खड़े हैं पेट्रोल पंप पर डाक बंगला चौराहा पर जो है, वहाँ पर डीजल का रेट जो है वो 104 रुपये 14 पैसे है, पेट्रोल प्रति लीटर 112 रुपये 53 पैसे है, तो वही पेट्रोल स्पीड जो है वो 116 रुपये 27 पैसे है। अब आप सोच रहे होंगे कि कल भी तो लगभग रेट से 112 रुपये के आसपास ही थी, तो बढ़त कहाँ हुई? तो बात यह है कि कल जो पेट्रोल की कीमत थी वो 112 रुपये 15 पैसे थी, और कल से आज तक में पेट्रोल के दाम में 38 पैसे की बढ़त कर दी गई। 38 पैसे अपने आप में कोई बहुत बड़ी रकम नहीं लगते हैं, लेकिन अगर आप देखें तो महीने की एक तारीख को यानी कि 1 अक्टूबर को पेट्रोल के जो दाम हैं वो लगभग 104 रुपये थे, और यही 2-4 पैसे 38 पैसे बढ़ा बढ़ा कर आज महीने की 29 तारीख को पेट्रोल की जो कीमत है वो 112 रुपये हो गए, यानी कि 104 रुपये से लेकर 112 रुपये और 53 पैसे का सफ़र जो है पेट्रोल ने इतने कम दिनों में तय कर लिया है। अब आगे चलते हैं और यहाँ के जो कर्मी हैं पहले उनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि पेट्रोल के दाम जो है जब वो यहाँ थे शुरुआती दिनों में, जब उन्होंने यहाँ काम करना शुरू किया था, तब पेट्रोल कितने रुपये प्रति लीटर बिकता था और अब जो है क्या हाल है? तो पेट्रोल का जो प्राइस बढ़ रहा है उसके बारे में बात कर रहे हो, ये ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा है, ये पॉकेट पे तो असर पड़ ही रहा है। और ये मतलब हम लोग एक स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट होने के बावजूद हम लोगों के पास जो पॉकेट मनी मिलती है वो ज़्यादा ओवर हो रहा है, और मतलब किसी भी अन्य चीज़ के लिए हम लोग खर्च कर नहीं पा रहे हैं, तो वो अच्छा तो लग नहीं रहा है। और गवर्नमेंट इस पे क्या ही कर रहा है कुछ बता नहीं सकता है। एक लिमिट पे बढ़ता तो अच्छा लगता, हाँ ठीक है कुछ प्रॉब्लम होगा, कुछ सर्कमस्टांसेस होंगे, वो देखा जा सकता था, लेकिन ये जो ग्रेजुअली बढ़ते ही जा रहा है और गवर्नमेंट इस पे कुछ बोल नहीं रही है, तो वो एक डेली प्राइसेस बढ़ रहे हैं, ये बहुत ही गलत चीज़ हो रही है। और गवर्नमेंट को इसको कुछ बताना चाहिए कि क्यों बढ़ रही है, क्या बढ़ रही है, ये भी एक वो नोटिसेबल होना चाहिए पब्लिक के लिए, क्योंकि पब्लिक के लिए ये डेली यूज़ में आता है और ये डेली यूज़ है तो ये बहुत ही ज़्यादा खर्च बढ़ते ही जा रहा है। जो कि एक नॉर्मल स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट ऑब्वियसली हैं तो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, पॉकेट मनी मिल रहा है तो पॉकेट मनी हर एक चीज़ के लिए मिलता है, लेकिन उसमें काट करके और ये सब कुछ अगर पेट्रोल में ही चला जाएगा तो क्या ही खर्च करेगा। हम लोग जैसे मिडिल क्लास आदमी के लिए बहुत प्रॉब्लम हो गया है, तो अब एक सब हाँ, तो हम लोग को इससे बहुत शिकायत है, हम लोग इससे खुश नहीं है। जो कि हम लोग के मिडिल क्लास फैमिली के लिए ऐसा हो गया है कि अब बाइक भी हम लोग के लिए सपना होने जा रहा है, बाइक भी सपना बाइक भी हमारे लिए सपना होने जा रहा है जी। तो प्राइस बढ़ रहा है तो इसका बेनिफिट को वैक्सीन पे भी तो जा रहा है, इसी के आमदनी से ना वैक्सीन लग रहा है, वैक्सीन लगाने के लिए कोई एक्स्ट्रा पैसा तो आ नहीं रहा है देश को, तो पेट्रोल के पैसे से वैक्सीन लगाई जा रही है, टैक्स के पैसे से लगाई जा रही है, पेट्रोल के पैसे से नहीं लगाई जा रही है, टैक्स के पैसे से वैक्सीन लगाई जा रही है। 1 करोड़ 1 अरब से ऊपर वैक्सीन लग चुका है, तो इसको भी तो देखिए, सिर्फ पेट्रोल का दाम मत देखिए, देश को भी देखिए, सिर्फ अपने को मत देखिए। जी हाँ, बढ़ा दिया है, आगे पीछे 2-4 रुपया तो बढ़ ही रहा था, दिक्कत होती नहीं है, बहुत दिक्कत है। 30-35 रुपये लीटर पहले लेते थे, अभी 112 रुपये 113 रुपये लीटर हो गया है। 30-35 रुपये लीटर लेते थे, 30-35 रुपये आज से 3-4 साल 5 साल पहले, अभी नहीं, इधर 2-3 साल से रेट बढ़ा दिया तेल का, पहले तो था नहीं इतना। पेट्रोल की बढ़ती कीमत का जवाब कब मिलेगा? कीमत का जवाब 2024 में मिलेगा इसका जवाब। 2024 में पेट्रोल प्राइस का जवाब मिलेगा, क्या दिक्कत हो रही है पेट्रोल का इतना रेट बढ़ गया है? तो दिक्कत तो एक्चुअली सारे चीज़ पे दिक्कत हो जा रही है, पेट्रोल का दाम बढ़ने के बाद लोगों का जेब कुछ ज़्यादा ही ढीला होने लगा है। अब रोज़मर्रे की ज़िंदगी का चीज़ है, लेना तो हर हाल में है, चलना हर हाल में है, लेकिन जवाब देंगे 2024। मन लोगों का मन बन गया है, अब गवर्नमेंट को इसके बारे में सोचनी है कि महंगाई तो बढ़ ही रहा है,
तो इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है, आगे मोदी जी हैं ही बैठे हुए ऊपर, हम मोदी जी जो कराएंगे करेंगे। मोदी जी करा रहे हैं पेट्रोल का दाम? मोदी जी नहीं करा रहे हैं, लेकिन महंगाई तो बढ़ी रहा है ना, आम पब्लिक के बाहर हो गया है महंगाई। अब इसमें तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, हम लोग तो नीति पे चल रहे हैं, सरकार जो कर रही है उसके सीधे अनुमान में चल रहे हैं। सरकार हो सकता है कल 200 रुपए कर देगी, तो भी हमें मजबूरी है कि पेट्रोल भराना ही है, क्योंकि हम आम पब्लिक है। नेता सिर्फ एक ही बार आते हैं जब उनको वोट मांगना आता है, उसके बाद पब्लिक कहाँ जाए उनको कोई चिंता नहीं है पब्लिक की। सर, मैं पेट्रोल के ही दाम को देख रहे हैं, लेकिन बहुत सारे कैंपेन मोदी जी के तो हम लोग देख नहीं रहे हैं। धन जन योजना, बेटी के बारे में कांग्रेस बोला है आज तक? नहीं बोला। जितने शहीद भाई मरे थे कांग्रेस के समय भी, कुछ हुआ था? नहीं हुआ था। और ये पुलवामा अटैक किसने करवाया? उसका जवाब मोदी ने दिया ना। तो फिर एक पेट्रोल एक छोटी सी चीज़ है, अगर हम लोग ये सब छोटे मोटे चीज़ पर ही लगे रहेंगे तो फिर पेट्रोल नहीं, देश तो नहीं बढ़ पाएगा ना। इंटर रिलेशन सही था, वर्ल्ड रिलेशन सही था, वर्ल्ड में हम लोग का रिकॉग्निशन था? नहीं था। USA ये सब में कोई था रिकॉग्निशन? नहीं था, कांग्रेस थी। तो एक पेट्रोल को अगर देखेंगे तो फिर से कांग्रेस को लाइए, जो चल रहा था चलेगा फिर से। तो मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत दिक्कत की बात है, तो इस महंगाई बहुत बढ़ रही है, काफ़ी दिक्कत। अब लोग सोच रहे हैं कि अब साइकिल पर चलें, बाइक को छोड़ दें, घर लगा दें, ये सब थोड़ा प्रॉब्लम यही हो रहा है। सरकार को ध्यान देना चाहिए। लूट मची हुई है जी हाँ। किसने मचा रखी है? गवर्नमेंट रेट बढ़ा रही है, गवर्नमेंट ने मचा रखी है, गवर्नमेंट ने लूट मचा रखी है। बिल्कुल ही जी। बड़े बड़े पूंजीपति लोग जो है कि वो और अमीर होते जा रहे हैं, और जो छोटे पूंजी वाले हैं वो और गरीब होते जा रहे हैं जी। आखिर हमारा पैसा जा कहाँ रहा है जी? हमारे पॉकेट से पैसा निकल के कहाँ जा रहा है? ये पेट्रोल का रेट बढ़ रहा है, ये पैसा कहाँ जा रहा है? वैक्सीनेशन हो रहा है उसके लिए तो ज़रूरी है ना। क्या जो इंटरनेशनल मार्केट से रेट बढ़ रहा है और क्या है, और इसमें हम आप तो कुछ कर नहीं सकते। पेट्रोल जो हमारे देश में है बहुत सस्ता है, कम से कम 500 रुपये लीटर होना चाहिए। अगर पेट्रोल महंगा होगा हमारा देश तरक्की करेगा, विकास करेगा? पेट्रोल से रोड पर गाड़ी चल रहा है, केवल प्रदूषण होता है, धुआं निकल रहा है, प्रदूषण फैल रहा है। इसलिए मेरे समझ से पेट्रोल कम से कम 500 रुपये लीटर होना चाहिए। कितने साल से आप इस पेट्रोल पंप पर? लगभग 20 बरस। जब 20 बरस पहले आपने यहाँ काम करना शुरू किया था तब पेट्रोल और डीजल की कीमतें क्या थी? उस समय लगभग 22 रुपये लीटर पेट्रोल था, उस समय से हम काम करते हैं, और 10-11 रुपये लीटर डीजल था। और तब आज तो जैसे 112 रुपये लीटर है, हर रोज़ दाम में बढ़ोतरी की जाती है, पहले भी ऐसे ही होता था? नहीं, पहले ऐसे नहीं होता था। पहले एक आध महीना, दो महीना पर, या फिर दो तीन महीना पर जब इलेक्शन होता, वो बजट पेश होता था ना, उस समय में ऐसा होता था। इलेक्शन के समय में दाम? नहीं, ये बजट जब नहीं होता था उस समय में ज़्यादा चांस रहते थे, उस समय बढ़ता था जी। बजट के समय और में कितना बढ़ता था? एक बार 2-4 रुपये बढ़ता था, एक बार में 2-2.5 रुपये बढ़ जाता था। साल भर में कितना बढ़ जाता होगा? लगभग 10 रुपये। पूरे साल भर में पेट्रोल की कीमत बस 10 रुपये बढ़ती थी? हाँ, लगभग ऐसे ही, माने कि हाँ, दो तीन महीना पर बढ़ती थी 2-2.5 रुपया। और इस बार अभी इसी महीने में 8 रुपये बढ़ चुका? अब तो मैम ऐसा बढ़ रहा है ना, किसी को पता ही नहीं चलता है। आज 10 पैसा, कल 4 आना, फिर ऐसे ऐसे बढ़ रहा है, रोज बढ़ता चला। हाँ जी जी जी। तो आपने लोगों की बातें सुनी, उनकी परेशानियाँ क्या कुछ है, क्या कुछ नहीं, पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को लेकर लोगों की क्या राय है, ये भी आपने जानी। साथ ही साथ आपने ये भी जाना कि कैसे 20 साल पहले जो पेट्रोल है उसकी कीमत 22 रुपये प्रति लीटर, 35 रुपये प्रति लीटर, इस तरीके से पेट्रोल कभी बिकता था, और दाम में बढ़ोतरी भी एक अच्छे वक्त के बाद होती थी। ऐसा नहीं होता था कि हर रोज़ पेट्रोल के दामों में बढ़त देखी जाती थी, लेकिन अब हाल यूँ हो चुका है कि दिन प्रतिदिन जो है पेट्रोल के दामों में उछाल आता रहता है, और जवाबदेही की बात जब बात आए तो सब अपने हाथ खड़े कर लेते हैं। जब भी चुनाव का वक्त आता है, जब भी वोटर्स को लुभाने का वक्त आता है, तब सरकार की तरफ से कई तरीके के वादे किए जाते हैं, लेकिन उसमें एक वादा जो है वो परमानेंट है कि महंगाई जाएगी और अच्छे दिन आएंगे, महंगाई जाएगी और लोगों को जो है ज़्यादा सुविधाएं मिलेंगी, लोगों का जीवन जो है वो ज़्यादा सरल हो पाएगा। लेकिन जब ज़मीनी हकीकत की बात की जाती है तब फिर ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है। आम लोग जो है, मिडिल क्लास आदमी जो है, वो हमेशा संघर्ष करता हुआ ही नज़र आता है। गरीबी की तो बात ही क्या है, कैमरा पर जितनी बार भी की जाए उतनी बार कम है, क्योंकि क्या हकीकत है ज़मीनी और क्या नहीं ये हम लोग जानते ही। और अगर
आप सिर्फ इस महीने की बात करें तो मैं आपको याद दिला दूं कि महीने की एक तारीख को पेट्रोल की कीमत 104 रुपए के करीब थी और महीना अंत होने को आज 29 तारीख है और आज पेट्रोल की कीमत जो है वो 112 रुपए और 53 पैसे हो चुकी है। ऐसे में जिस तरीके से हर रोज़ पेट्रोल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, हर रोज़ डीजल के रेट्स बढ़ाए जा रहे हैं, वो काफ़ी ज़्यादा चिंता का विषय है, क्योंकि यहाँ लोग जहाँ रोज़गार के लिए परेशान होते हैं, दो वक्त की रोटी के लिए परेशान होते हैं, ऐसे में पेट्रोल के दाम हर रोज़ बढ़ते जाना, एक महीने में इतनी ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाना जो कि पहले साल साल भर में देखी जाती थी, वो लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा चिंता का विषय है। उनके लिए जो समस्याएँ जो है, जो सरकार जब नई नवेली सरकार बनकर आती है, चुनाव जीत कर जब सरकार का गठन होता है, मंत्रिमंडल का गठन होता है, तो जो वादे होते हैं, जो लोग उन वादों के पूरा होने के इंतज़ार में रह जाते हैं, वो लोग ज़मीनी हकीकत की अगर बात की जाए तो सिर्फ और सिर्फ संघर्ष में फंस जाते हैं, पेट्रोल की बढ़ती कीमतों में महंगाई की मार के साथ रह जाते हैं। अब तमाम वीडियोज़ के लिए लाइव सिटीज़ के साथ बने रहे। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लाइव सिटीज़ के साथ ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।